बीटीसी का चीफ श्री प्रमोद साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरा यहां का जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं दो बार हुआ ऐसा रास्ते से मेरा अपना राज्य में जाते हुए। तो दोनों बार बीटीसी का जितना भी है हमारा प्रमोद साहब, उनका टीम और यहां का एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सपोर्ट किया, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी यहाँ बीटीसी में जो अभी अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है और आसाम गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सबको यही आह्वान करना चाहता हूँ, सब मिल के काम करें और आसाम राज्य को और बीटीसी को आगे बढ़ाने का काम करें। बस मेरे यही संदेश है। स्ट्रेंथ इन आवर कम्युनिकेशन इन बिटवीन बोर्डलाइन एंड स्कीम इज अ वेरी नाइस कम्युनिकेशन नाउ। देखो अभी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में देखो ये रास्ता मैं क्यों चॉइस करता हूँ, नहीं तो मेरा जाने के लिए मैं फ्लाइट में जा सकता था, जैसा गुवाहाटी से कलकत्ता, कलकत्ता से मैं बागडोगरा, लेकिन मैं रास्ता चुना क्योंकि अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सब अच्छा है और हम चाहते मिल के काम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मेरा स्टेट अभी प्योर ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है और मेरा राज्य में टूरिज़्म सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा होता है, और हम अभी हमारा टूरिज़्म का कंसेप्ट बदल गया कि हम लोग होम स्टे में बड़ा बड़ा होटल नहीं, 5-star hotel, 7-star hotel नहीं, लेकिन हम गाँव में रखना अभी शुरू किया है। टूरिस्ट को जितना भी है उनको गांव में रखते हैं हम लोग एज इन होम स्टे, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कर रहा है और इंडिविजुअल कर रहा है, तो यहाँ भी अगर कर पाए तो अच्छा रहेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, टी फार्मिंग को आगे बढ़ाने से अच्छा रहेंगे। और मैंने हमारा चीफ को मैंने अनुरोध भी किया है, मैंने आह्वान भी किया कि आपका एक टोली सिक्किम में भेजिए ताकि हमारा एक कम्युनिकेशन बन जाए, अच्छा बन जाए। बस स्टेट लेवल को गवर्नमेंट के तरफ से क्या इनिशिएटिव आपका? अपना गवर्नमेंट के अंडर में हमारा टी स्टेट है, टीमी टी गार्डन, ऑर्गेनिक गार्डन है, तो यहाँ का टेरेन है, यहाँ का जो भूमि है तो अच्छा है, सबसे अच्छा भूमि है। तो हमारा तो हिल है, हिल में भी हम लोग अभी टी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारा अभी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है 10,000 एंड अबव। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम टी को बेचें तो 10,000 से ऊपर मिलेंगे पर केजी, तो यहाँ और बन सकता है, ये नए जगह है, तो सब मिल के काम करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अकेला काम कर नहीं पाएंगे, ले इसके लिए पूरा बोडोलैंड का जितना भी है जनता है, जो भी है इंटेलेक्चुअल है, जो भी यूथ है, उनको मिल के काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल जो बॉर्डर इशू है आपके पास कोई? मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर कोई इशू नहीं, बस वही नहीं, स्टेट बॉर्डर इशू भी नहीं और इंटरनेशनल बॉर्डर इशू, लेकिन हमारा तीन है, जैसे चाइना बॉर्डर भी हमारा पास है स्टेट में और नेपाल भी है और हमारा भूटान भी है, भूटान कम पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं, अभी पूरा नॉर्मल सिचुएशन है। थैंक यू जी।